हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे हम लोग और एक नवी लेकर, दोस्तों आज हम बात करेगा जो कि 2024 में जो अपकमिंग वैकेंसी है आरआरबी रिकमेंड 2024 में 2 लाख पोस्ट के लिए जो अपकमिंग वैकेंसी रहेगा उसके डिटेल्स हम आपको आपको जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो जो लोग मेरे साथ बने रहिए आया है, सो उन लोग को रिक्वेस्ट है आप लोग पूरा वीडियो क्लास से देखे ए टू जेड पूरा शेयर करेगा इस वैकेंसी और अपकमिंग वैकेंसी रिलेटेड स्टाफनर्स के लिए। सो आरआरबी का तरफ से जो फिलहाल बहुत सारा वैकेंसी के लिए जो एडवाइस अनाउंसमेंट करने वाला है, जो अपकमिंग नेक्स्ट वैकेंसी रहेगा पैरामेडिकल स्टाफनर्स, ठीक है। सो उसमें हम आपको शेयर करने वाला है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में इंडियन रेलवे की तरफ से गवर्नमेंट इन तरफ से जो वैकेंसी आने वाला है उसके डिटेल्स हम आपको पोस्ट के अनुसार आपको शेयर करने वाला है। सो इसमें देखिए जो आरआरबी रिकमेंड 2024 की तरफ से 2 लाख पोस्ट जो कि फिलहाल बहुत जल्दी आप लोग को प्रोसेसिंग होने वाला है जो ऑफिशियल वेबसाइट में, इसमें आप लोग को जो 2 लाख के अंदर आप लोग को पैरामेडिकल स्टाफ का भी बहुत वैकेंसी मिलेगा। एप्लीकेशन आपको जो न्यू से नोटिफिकेशन थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप लोग को नोटिफिकेशन अनुसार वैकेंसी आने वाला है 10 क्लास का, ठीक है। 10 क्लास और आप लोग को जो लोग डिप्लोमा बीएससी नर्सिंग जीएनएम नर्सिंग करके रखा है उन लोग के लिए भी इस आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सो फिलहाल आप लोग को बहुत जल्दी इसका प्रोसेसिंग अनुसार मिल जाएगा जून जुलाई के अंदर, ठीक है। रिक्रूटमेंट के अनुसार आप लोग को जो क्राइटेरिया है रहेगा और पोस्ट भी आप लोग को जारी कर दिया जाएगा पैरामेडिकल के अंदर कौन सा पोस्ट रहेगा उसके अंदर के हिसाब से। सो यहाँ पर आप लोग को फिलहाल देखिए आरआरबी रिक्रूटमेंट 2 लाख के पोस्ट फिलहाल जल्दी आप लोग को प्रोसेसिंग होने वाला है। आप लोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट जैसे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा वैसे हिसाब से आप लोग को तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अनुसार हम आपको जो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, यहाँ पे 2 लाख का जो वैकेंसी रहेगा अभी हाफ वैकेंसी निकल चुका है, उसके बाद आप लोग को पैरामेडिकल स्टाफ नर्स के लिए जो फिलहाल जारी करने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत जल्दी आरआरबी रिक्रूटमेंट की तरफ से जारी करने वाला है। सो एलिजिबल क्राइटेरिया में आप लोग को बहुत जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आरआरबी रिक्रूटमेंट 2024 में जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन रखा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और पोस्ट नेम रखा है आरआरबी रिक्रूटमेंट 2024, ठीक है। वैकेंसी आप लोग को 2 लाख आसपास रहेगा, इसमें आप लोग को पैरामेडिकल का भी वैकेंसी रहेगा, ठीक है, जिसमें स्टाफ नर्स फिजियोथेरापिस्ट फार्मासिस्ट और बहुत सारा पोस्ट रहेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस जून जुलाई के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। ऑनलाइन मोड में आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आरआरबी रिक्रूटमेंट सैलरी रहेगा पोस्ट वाइज आप लोग को सैलरी मिलेगा, ठीक है। सो बहुत सारा पोस्ट रहेगा इसमें पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, बहुत साल के बाद इसका प्रोसेसिंग होने वाला है 2 लाख का पोस्ट के हिसाब से। कैटेगरी में आप लोग को आरआरबी 2024 रहेगा, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगा, ऑफिशियल जो वेबसाइट रहेगा इंडियन रेलवे government.in में जाकर सर्च करेगा तो आप लोग को पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। सो वैकेंसी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर रखा है, देखिए जो फिलहाल आप लोग को जून 2024 डेट रखे नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा जून के अंदर और लास्ट डेट रहेगा जुलाई के अंदर और एग्जाम लेगा फ्री टेस्ट आप लोग को जुलाई के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। जो आप लोग को जो एग्जाम डेट होगा वो नोटिफिकेशन के बाद में बता दिया जाएगा। आरआरबी का एप्लीकेशन फी रखा है जनरल के लिए 500 रुपया, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500, एससी एसटी के लिए 250 रखा है, ठीक है। पेमेंट आप लोग को ऑनलाइन मोड में नेट बैंक के डेबिट कार्ड हिसाब से आप लोग को फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। जो लिंक आप लोग को जैसे मिलेगा उसके हिसाब से आप लोग को कर लेना। सो मिनिमम जो एज रखा है 18 साल से लेकर 30 ईयर तक रखा है और स्टाफनर्स के लिए 40 ईयर तक रखेगा, ठीक है। एज रिलेवेशन आप लोग को अथॉरिटी रूल्स के हिसाब से आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। 2024 में नया रूल्स होने वाला है आरआरबी एलिजिबिलिटी में, जो 2 लाख पोस्ट रहेगा इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया 10+ डिग्री डिप्लोमा और जो जो जिन पोस्ट तरफ से रहेगा उसी हिसाब से आप लोग को कैटेगरी अनुवाइज आप लोग को फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ठीक है। आरआरबी रिक्रूटमेंट की तरफ से काइंडली आप लोग आरआरबी का न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन जो जारी रहेगा उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करिए, ठीक है दोस्तों। सो सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग को जो होगा इसमें आप लोग को देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा 2024 में, इसमें आप लोग को CBT 1 का हिसाब से रहेगा जो एग्जाम रहेगा, टाइपिंग एडवेस्टेड टेस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा 2024 का हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सो GNM जैसे भी होगा GNM स्टाफ नर्स का भी एग्जाम होगा, CBT एग्जाम, कंप्यूटर टेस्ट, कैडिटी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप लोग को सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आप लोग को जो PDF क्राइटेरिया रहेगा उसके हिसाब से आप लोग को तैयारी कर दीजिए, क्योंकि बहुत साल के बाद आरआरबी का वैकेंसी आने वाला है। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन फाइनली एप्लीकेशन सबमिट के साथ आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप लोग को रजिस्ट्रेशन अनुसार आप लोग को नोटिफिकेशन PDF मिलेगा, हम आपको जरूर बताया देंगे। सो थैंक यू वॉचिंग, मिलता है और एक नया वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होगा। कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट जरूर बताइए।